नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। इस वक्त की ताजा बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हो गए और बीजेपी ने बड़े बड़े वादे भी किए, किसानों के लिए भी बड़े वादे किए और बेरोजगार लोगों के लिए भी काफी बड़े वादे किए। आइए एक एक करके आपको बताते हैं कि बीजेपी ने किस प्रकार वादे किए। महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हो गए, 1 करोड़ नौकरी का वादा भी किया गया और बहुत सारे बड़े और भी वादे किए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने पार्टी का संकल्प पत्र जारी किए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में आगामी 5 साल में 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किए। साथ ही संकल्प पत्र में ग्रामीण इलाकों में 30,000 किलोमीटर तक सड़क बनाने की भी बात कही है। बीजेपी के संकल्प पत्र पर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री फोटो सामने दिख रही है। संकल्प पत्र में कहा गया कि आने वाले 5 वर्षों में महाराष्ट्र को सूखे से मुक्त करेंगे। पश्चिम से बहने वाली नदियों के पानी को गोदावरी की घाटी से कर मराठवाड़ा में उत्तर महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त भागों में पहुंचाएंगे। मराठवाड़ा वाटर ग्रिड महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से 11 बांधों को आपस में जोड़कर संपूर्ण मराठवाड़ा को पाइपलाइन से आपूर्ति करेंगे। आने वाले 5 वर्षों में कृषि में लगने वाली बिजली को सौर ऊर्जा पर आधारित करके किसानों को दिन में 12 घंटे से अधिक बिजली पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे। आने वाले 5 सालों में 1 करोड़ नौकरियों का निर्माण करेंगे। 1 करोड़ परिवारों को महिला बचत समूह से जोड़कर रोजगार के विशेष अवसर उपलब्ध करवाएंगे। 2022 तक प्रत्येक घर को पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध करवाएंगे। मूलभूत सुविधाओं के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। ग्राम सड़क योजना के दूसरे चरण के माध्यम से 30,000 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कें बनाएंगे। भारत नेट और महाराष्ट्र नेट के माध्यम से संपूर्ण महाराष्ट्र को इंटरनेट से जोड़ेंगे। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना और महात्मा फुले जन आरोग्य योजना से कोई भी वंचित न रहे, ये सुनिश्चित करेंगे। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में 21 अक्टूबर को एक चरण में चुनाव कराने की घोषणा कर दी है। मतों की गिनती 24 अक्टूबर को होगी। लोकसभा चुनाव 2019 में भारी बहुमत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता में वापसी के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव है। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 9 नवंबर को खत्म हो रहा है। चलिए बात करते हैं 2014 की। साल 2014 में महाराष्ट्र विधानसभा की 288 विधानसभा सीटों के लिए हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 122 सीटें हासिल कर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। भाजपा ने पहली बार महाराष्ट्र में इतनी सीटें हासिल की थी। वहीं कांग्रेस 42 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर खिसक गई। इसके अलावा शिवसेना 63 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रहने वाली पार्टी थी।